हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम 9.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने बनाना सीख लिया तो फिर उसका हम मीन और वेरियंस भी लगे हाथ निकालना सीख लेते हैं कि मीन उसका कैसे निकालना है, वेरियंस कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। ये सब चीज़ें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी निकाली थी, तो वहाँ पर फार्मूला अलग था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला अलग है। दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि आप कंपेयर कर सको और आपको समझने में आसानी रहे कि भाई किस टॉपिक में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वहाँ अलग फार्मूले हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ बनाना है वहाँ पर अलग फार्मूले हैं। दोनों में डिफरेंस तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसको अभी डिफरेंस समझ में नहीं आया तो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो अच्छी तरह देख लो, उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लो और सेम ऐसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट वीडियो देख लो, उसको समझ लो अच्छे तरीके से ताकि दोनों का डिफरेंस आपको करना समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम फार्मूला की बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम मीन निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है एज कम्पेयर्ड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फार्मूला बहुत सिंपल होता है, एन इंटू में पी, वेर पी इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यू नो ऑल दैट। पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हम यहाँ पर वेरियंस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू में पी इंटू में क्यू, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेरियंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो और आसानी रहता है, वो तो दोनों में फार्मूलों में सेम ही चलेगा कि आपने वेरियंस जो निकाल लिया उसका स्क्वेयर रूट कर देना है तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो फार्मूला की बात होगी, इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर बता रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज टू टेस्ट वेदर ए कॉइन और ए डाइस एटसेट्रा इज बायस्ड और अनबायस्ड। जब भी किसी कॉइन को आप टॉस करते हो, डाइस को थ्रो करते हो, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर आपने अगर नोट किया हो तो कई बार ऐसे लिखा होता है कि बायस्ड कॉइन है या अनबायस्ड कॉइन है, या फिर जो डाइस है उसमें बायस्ड है अनबायस्ड। बायस्ड या अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी कॉइन में आप उसको टॉस करते हो और दोनों के आने के चांसेस बराबर रहते हैं, हेड या टेल आने के, तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड, मतलब वो किसी की तरफ नहीं है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन जब बायस्ड की बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक चीज़, हेड या टेल, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ज़्यादा आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो कभी कभी क्वेश्चन हमें इस तरह की चीज़ें दे जाती है। नॉर्मल लाइफ में हम देखें तो बायस्ड कॉइन बहुत रेयरली मिलता है, अनबायस्ड कॉइन ही होते हैं। अब ये शोले फिल्म की तरह नहीं है कि वो सिक्का उछालेंगे तो हमेशा हेड ही आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चांसेस हमारे बराबर रहते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाए कि भाई जो आपको यहाँ पर कॉइन दिया गया या डाइस दिए वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, तो उसके लिए आपको क्या नहीं करना है, आपका जो कॉइन है या डाइस है अनबायस्ड तब होगी जब इसकी जो वैल्यू है वो मीन प्लस माइनस टू इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसके बराबर उसकी वैल्यू आती है दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो कॉइन वहाँ पर दिया है या डाइस वहाँ पर दी हुई है वो अनबायस्ड है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू टू इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थ्री इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में कोई वैल्यू आती है तो आप कह सकते हो कि जो कॉइन है वो शायद बायस्ड भी हो सकता है, कन्फर्म अभी नहीं कह सकते, मे भी हो सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू थ्री इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा आ जाए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये बायस्ड है। तो ये जो नोट मैंने स्पेशल बताया ये स्पेशल एमसीक्यू के लिए बताया, एमसीक्यू में हो सकता है आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाए, आपको वैल्यू दे दी जाए, उन वैल्यू से आपको ये बताना है कि भाई अनबायस्ड कब होगा, बायस्ड कब होगा और मे बी बायस्ड और अनबायस्ड कब हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आप फेस कर सकते हो। तो खाली ये नहीं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों की नॉलेज भी आपको अगर होगी तो आप ज़्यादा बेटर प्रिपेयर हो पाओगे अपने एमसीक्यूज़ के लिए। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में 9.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता है फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी, इस तरह से लिखा हुआ है बी 8 एंड 1/4। जब इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब जो पहले आपको नंबर दिया होता है ये वैल्यू होती है आपके पास n की, और जो ये बाद में नंबर दिया होता है ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब आपको मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला यहाँ पर क्या है, n इंटू में p, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू में 1/4, यानी आंसर आ गया आपका 2, है ना, बहुत सिंपल है फार्मूला। लेकिन याद रखना कि क्या इसमें फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज 20 एंड q इज 0.6। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, n तो 20 दिया हुआ है
और Q दिया हुआ है 0.6। अगर Q आपको 0.6 दे दिया तो P तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो हमें पता है कि P प्लस Q का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जब आप इसको 0.6 को यहाँ पुट करोगे तो इसका मतलब P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4। अब इसका आपको मीन निकालना है, तो 20 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इतना आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 5 एंड वेरियंस इज 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मीन, मीन मीन्स म्यू, म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5, एंड वेरियंस, वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको 4। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको फाइंड करने हैं। तो मीन का जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू में p, और इसका फार्मूला होता है n इंटू में p इंटू में q। तो ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, इनसे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर क्या तरीका यूज़ कर सकते हो, देखो n इंटू पी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लो 5, तो ये 5q आ गया, तो इसका मतलब q की वैल्यू होगी आपके पास 4/5। q अगर 4/5 है तो इसका मतलब p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब इस p की वैल्यू का आप यहाँ पर पुट कर दो, तो n इंटू में 1/5 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 25। इस तरीके से आप n निकाल सकते हो उसका। क्वेश्चन नंबर 4th, इफ द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स इट इज गिवन एज 4, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसकी वैल्यू होगी आपके पास np, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, आप पहले इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो 16, इसकी वैल्यू होगी आपके पास npq। अब फिर से आप क्या करो, यहाँ पर np की वैल्यू 20 है, इस 20 को यहाँ पर पुट कर दो, 20 इंटू में q, तो यहाँ से q की वैल्यू निकालोगे आप, q की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब q की वैल्यू 4/5 आ गई तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही आपको निकालना है, ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 20 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टॉसेज हैं वो 20 है, नंबर ऑफ टॉसेज 20 है, तो n की वैल्यू होगी 20। अब आप कॉइन को आप टॉस जब करोगे तो p और q दोनों की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, जैसे हमने पिछली उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समझा था। आप नंबर ऑफ टॉसेज कितने भी कर लो, लेकिन जब भी आप p और q निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालोगे, तो हमेशा आपको एक बार के ट्रायल के हिसाब से उनकी वैल्यू निकालनी है। यानी कॉइन को आप एक बार टॉस कर दो तो p की वैल्यू आएगी 1/2, क्यू की वैल्यू भी आपके पास 1/2 आएगी अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो। अब आपके पास एन और पी दोनों आ गया, मीन आपसे, मीन एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन ही हो गया, तो वर्ड्स का ध्यान रखना क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब मीन हो गया, इसका फार्मूला एन इंटू में पी, इसका आंसर आ गया आपके पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए डाई इज टॉस ट्वाइस, यानी डाई को आपने दो बार टॉस किया, दैट मीन्स एन की वैल्यू तो मिल गई आपको 2। ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए रैंडम टॉस। अब सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, दैट मीन्स आपने डाइस को दो बार फेंका तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई, और गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, ऑड नंबर इज सक्सेस, दैट मीन्स पी की वैल्यू होगी आपके पास, ऑड नंबर डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर 3 होते हैं, टोटल 6 हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2, क्यू की जरूरत अगर पड़ेगी तो उसकी वैल्यू भी 1/2। फाइंड द मीन एंड द वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, मीन निकालना है पहले, तो मीन आप निकालोगे पी इंटू में एन इंटू में पी, तो ये तो आ गया 1, और वेरियंस निकालोगे तो ये होता है एन इंटू में पी इंटू में क्यू, यानी 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 7th, इफ़ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 5 एंड पी एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9, पी एक्स इक्वल्स टू 3 एंड इट इज़ गिवन दैट पी एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9,
पी एक्स इक्वल्स टू थ्री, इट इज़ गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला लगाते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू टू का मतलब हो गया एन सी आर, आर की जगह आ गया आपके पास टू, एन की जगह हो गया फाइव. अब यहाँ पर पी की वैल्यू अभी पता नहीं हमें क्या है, वो हमें निकालनी है. तो पी की पावर हो जाती है जो यहाँ पर आएगा टू, और क्यू की वैल्यू हो जाएगी फाइव माइनस टू नाइन. यहाँ पर आप करोगे तो फाइव सी थ्री, पी की पावर थ्री एंड क्यू की पावर टू. फाइव सी टू और फाइव सी थ्री दोनों की वैल्यू होती है सेम, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है. बिकॉज यहाँ दिखा दो, बिकॉज फाइव सी टू इज इक्वल्स टू फाइव सी थ्री. तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ से रहेगा पी स्क्वायर क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू नाइन पी क्यूब एंड क्यू स्क्वायर. अब यहाँ से भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी इधर आपके पास क्यू है इधर नाइन पी है. अब वैल्यू हमें पी की फाइंड करनी है, तो हमें ये तो पता है कि जो पी प्लस क्यू होता है वन के बराबर होता है. तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपको ऐसे लिख सकते हो पी माइनस वन माइनस पी, और यहाँ पर आ गया आपके पास 9p. यहाँ इसका रीज़न आप देख सकते हो कि p प्लस क्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो यहाँ से माइनस पी को आप उधर शिफ्ट करो, 1 इक्वल्स टू में 10p, दैट मीन्स p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन में 10. तो p की वैल्यू पूछी गई है बस, तो p की वैल्यू आप निकाल देंगे 1 अपॉन 10. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. तो देखो बड़े सिंपल सिंपल तरीके से निकल रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बस फार्मूलाज आपको पता हो, बल्कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सिंपल ही है, क्योंकि फार्मूले थोड़े यहाँ पर छोटे हो गए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है थ्री कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में से आप यहाँ से तीन कार्ड निकाल रहे हो एक एक करके, दैट मीन्स एन की वैल्यू होगी आपके पास थ्री. एन की वैल्यू थ्री आ गई. अब आगे आपसे पूछता है फाइंड द मीन, सॉरी कार्ड कौन सा आप निकाल रहे हैं, फाइंड द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड ड्रॉन. यहाँ पर जो सक्सेस है, सक्सेस इज डिफाइंड एज रेड कार्ड. तो रेड कार्ड आपके पास टोटल 52 जो कार्ड होते हैं उसमें से 26 तो रेड कार्ड होते हैं. तो P की वैल्यू आ गई आपके पास 26 अपॉन 52, यानी आंसर आ जाएगा 1/2, और Q की वैल्यू आ जाएगी 1/2. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है मीन एंड वेरियंस, तो इसका मीन निकाल देते, एन इंटू में पी, यानी 3/2 हो गया, और वेरियंस निकालते तो एन इंटू में पी इंटू में क्यू, इसका आंसर आ गया आपके पास 3/4. तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, 3/2 एंड 3/4. क्वेश्चन नंबर 9th, तो ए डाई इज थ्रोन 3 times. एक डाई को आप 3 बार टॉस कर रहे हो. अब एक डाई को अगर आप 3 बार फेंक रहे हो तो एन की वैल्यू तो होगी आपके पास 3. लेट x बी द नंबर ऑफ टू सीन, मतलब x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टूज सीन. x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टूज, मतलब उस पर 2 जो आ रहा है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब डाइस को जब आप थ्रो करते हो, डाइस को थ्रो करने पर उसमें जो 2 है वो तो एक ही बार आता है, तो यानी p की वैल्यू होगी आपके पास 1/6, और q की वैल्यू आ गई 5/6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है, फिर उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, यानी मीन निकालना है. ठीक है, तो मीन तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. मीन तो हमारे पास क्या बन गया, एन इन टू में पी, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2. तो ये तो आ गया आपके पास मीन, सॉरी पी की वैल्यू 1/6 है, तो 1/2. तो मीन तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट. अब प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए फिर हमें वही देखना पड़ेगा भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, क्योंकि जो कार्ड आप निकाल रहे हो, तीन कार्ड निकाल रहे हो, सॉरी कार्ड नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर 2 कितनी बार आ रहा है वो देख रहे हैं. तो एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है एक बार भी 2 नहीं आया, चाहे आपने पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, आपके पास 2 नहीं आया. तो इसकी आप प्रॉबर्टी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आगे आपके पास फार्मूला क्या बन गया, 3C0, पी की वैल्यू 1/6, इसकी पावर 0, और क्यू की वैल्यू 3 - 0 मीन्स 3. तो यह आ जाएगा 125 / 216. अगर हम 1 करेंगे तो 3C1,
वन बाय सिक्स की पावर वन एंड फाइव बाय सिक्स की पावर टू। थ्री सी वन को सॉल्व करेंगे थ्री आ जाएगा, यहाँ से 25 है, 25 थ्री जो 75, नीचे आपके पास यही आएगा। थ्री सी टू वन बाय सिक्स की पावर टू फाइव बाय सिक्स। थ्री सी टू सॉल्व करते हैं तो ये भी थ्री आएगा, थ्री इंटू फाइव 15। ये कैसे आएगा ये ऑलरेडी हम पिछली दो तीन वीडियोज़ में बहुत डिस्कस कर चुके हैं कम्बिनेशन कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आई थिंक अब आपको आ गया होगा। इसकी पावर थ्री आ जाएगी तो ये वन हो जाएगा, ये वन अपॉन में 216 आ गया। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप बना दो, एक्स की वैल्यू आपके पास और पी की एक एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, वन है, टू है और थ्री है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 125 अपॉन में 216, इसकी 75 अपॉन 216, 15 अपॉन में 216, इसकी आगे 1 अपॉन में 216। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इसका नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेज ऑफ ए डाई, यहाँ पर डाई को आप दो बार टॉस कर रहे हो तो एन की वैल्यू तो 2 होगी, और सक्सेस इज डिफाइंड एज द नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4, यानी डाइस को हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ा नंबर आएगा। अब 4 से बड़ा नंबर या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आप P निकालोगे उसमें 2 अपॉन 6 आ जाएगा यानी 1 अपॉन 3, और Q की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकालना है, तो वो तो हमें आसान है, मीन निकालना आसान है, वेरियंस निकालना आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान है, प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगेगा जो भी लगना है। अब क्योंकि n यहाँ पर 2 है तो x की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, मतलब एक बार भी 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, x की वैल्यू 1 हो सकती है कि एक नंबर 4 से बड़ा आ गया, और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, दोनों नंबर 4 से बड़े आ गए। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 हम लेते हैं तो पी एक्स क्या आ जाएगा, आपने टोटल दो बार टॉस किया है, 2c0, पी की वैल्यू है 1/3, इसकी पावर 0, 2/3 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 अपॉन में 27। अगर यहाँ 1 आया तो 2c1, 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर भी 1, तो यहाँ पर 27 नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2c1 हो गया 2, 2 2 जो 4, 4 अपॉन 9, और अगर आप 2 लेते हैं तो 2c2, 1 अपॉन 3 की पावर 2, और ये 2 अपॉन 3 की पावर हो गया 0, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन 9 आ गया। तो प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका बन गया, एक्स पी एक्स 0 1 2, प्रॉबिलिटी 4 अपॉन 9, 1 अपॉन 9। अब रही है इसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन के लिए हमें यहाँ से कुछ नहीं करना जैसे प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूले में किया था, मीन के लिए सीधा पी इंटू में एन इंटू में पी, एन हमारे पास कितना है 2 है और पी हमारे पास है 1/3, तो ये आंसर आ गया वेरियंस एन इंटू में पी इंटू क्यू, तो 2 × 1/3 × 2/3 4 अपॉन 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस का स्क्वायर रूट करना है यानी 4 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3। तो इस तरह से तीनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या दिया हुआ है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। दो कार्ड आपको ड्रॉन करने हैं, मतलब एन की वैल्यू तो हो गई 2, तो एन की वैल्यू हुई 2। क्वेश्चन नंबर 11 एन की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद कहता है फाइंड द प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसिस ड्रॉन, यहाँ पर सक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गेटिंग एसिस रिप्रेजेंट एज सक्सेस,
अब सक्स एसेस जो होते हैं कार्ड में कितने होते हैं, चार एस होते हैं टोटल, एस मतलब इक्का, तो प्रॉबर्टी आ गई इसकी 4/52, दैट मीन्स 1/13, तो क्यू की वैल्यू आ गई 12/13। अब इसका प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, अब तो आपको बनाना आ गया होगा आई थिंक। जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ज़ीरो का मतलब एक भी एस कार्ड नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो, कितने कार्ड एन कितना है, टू है, 2c0, 1/13 की पावर 0, 12/13 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 144, नीचे आ जाएगा 169। 1 करेंगे तो 2c1, 1/13 की पावर 1, 12/13 की पावर 1, तो यहाँ से 2 आएगा, इधर से 12, 2 24 डिवाइडेड बाय 169। जब 2 करेंगे यहाँ पर तो 2c2, 1/13 की पावर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/169, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इसको टेबल में डाल देना भाई, वो अपने आप कर लेना, टेबल में इसको डाल देना, टेबल में ज़रूर डालना है जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओगे। उसके अलावा मीन और वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन इसका आ गया एन इंटू में पी, यानी 2 × 1/13 आ गया, और मीन था ये। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1/13 × 12/13, तो आ जाएगा 24/169। अब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 के पेयर बना के देखोगे, तो पेयर में बनाओगे और उसको बाहर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√6 और नीचे आ जाएगा 13। बस इसका इतना ही आंसर छोड़ देंगे, इसकी रूट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूट की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th में कहता है डाई इज टॉस 3 टाइम, एक डाई को 3 बार आपने टॉस किया तो एन की वैल्यू 3 होगी। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, इवन नंबर जो है वो सक्सेस है। तो डाई पर जब हम टॉस करते हैं तो 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डाई को आपने टॉस किया है 3 बार, तो एन की वैल्यू तो हो गई 3 और पी की वैल्यू हो गई 3/6 मीन्स 1/2, क्यू की वैल्यू भी 1/2 हो गई। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है यहाँ पर, प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पी प्लस में क्यू रेज टू पावर एन। ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड देखो खुश हो जाओ, अरे डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ये तो आता है, बना दो वहाँ प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। पूछ रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या बाइनोमियल पूछा है प्रॉबर्टी बना के आ जाओ। तो प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पी प्लस में क्यू रेज टू पावर एन। तो पी आपके पास क्या है, 3/6, 1/2 और क्यू भी है 1/2। बस इसको ऐड नहीं करना है आपको, ऐसे ही छोड़ देना है, और रेज टू पावर 3, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही छोड़ देना। इसके अलावा पूछते हैं आंसर वेरिएंस, तो वेरिएंस आपके पास हो गया एन इंटू में पी इंटू में क्यू, इसका आंसर आ गया 3/4। तो जितना क्वेश्चन में पूछा जाए बस उतना ही करना है, फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कहता है, यहाँ कहता है एक अन कंटेन 3 white and 6 red balls। एक अन मतलब इसके अंदर 3 white है और 6 3 white है और 6 red balls हैं। बोल यहाँ पर 3 round, लिख 6 round, यार वाइट 3 होगी और रेड 6 होगी, तो टोटल बॉल कितनी होगी आपके पास, 9। 4 balls are drawn 1/1 with replacement, उसमें से आपको 4 balls निकालनी है। 4 balls निकालने का मतलब है n की वैल्यू हो गई 4। और बॉल कौन सी निकालनी है, किसके हिसाब से निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। तो x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल को, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, रेड बॉल आपके पास 6, टोटल बॉल है 9, तो ये आ जाएगा 2/3 और q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब इसका प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गई है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इसका प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना देना,
ठीक है, बस मैं स्टार्टिंग का ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एन सी जीरो फोर सी जीरो, और 2/3 की पावर तो 0 हो जाएगी, 1/3 की पावर हो जाएगी 4। इसको सिंप्लीफाई कर देना, 4C1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 3, इधर से आ गया 4C2 दोनों की पावर 2 हो जाएगी। फार्मूला तो आई थिंक आपको अच्छी तरह आ गया होगा कि कैसे हम लगाते हैं इसको। लास्ट में 4C4 इसकी पावर 4 और इसकी पावर 0। इन सबको सिंप्लीफाई करके लिख देना, टेबल के अंदर डाल देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया। अब कहता है हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो मीन और वेरिएंस हम निकाल लेंगे एन इंटू में पी, 8/3 आ गया, वेरिएंस एन इंटू में पी इंटू में क्यू, तो 8/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 14 और 15, दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं इसके। तो 14 क्वेश्चन में कहता है इफ एक्स फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3, मीन आपको 3 दिया हुआ है और वेरिएंस आपको दिया हुआ है 3/2, देन फाइंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। हमें ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सक्सेस तो यहाँ पर आपको दे दिए कि भाई एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है। अब लेकिन हमें ये तो यहाँ पता नहीं है कि एन क्या है, तो पहला काम क्या होगा हमारे यहाँ पर, एन फाइंड करना। तो उसके लिए आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास होगी एन पी 3, इसकी वैल्यू होगी एन पी क्यू। एन पी की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया 3Q, 3 से 3 कैंसिल, मतलब Q की वैल्यू आ गई 1/2। क्यू अगर 1/2 आ गया तो P की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। इस P की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो N की वैल्यू आ गई आपके पास 6। N हमें मिल गया, ये हमें निकालना है। अब ये निकालने का मतलब है कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू जो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी 5 है या उससे पहले जितनी भी वैल्यू है। अब जितनी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है इसमें, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अब ये सारी वैल्यू निकालने की बजाय टोटल कितना आपके पास, n 6 है, बस एक कौन सा रहेगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू 6 ही रह गया बस। उसे भी ले लेता खाम का, उसे भी क्यों छोड़ा, अब उसको ले लेता तो हमारा काम बिल्कुल आसान बन जाता। हम आंसर लिख देते 1, क्योंकि सबका जो टोटल होता है वो 1 होता है। अब अगर नहीं भी वो दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1-P x इक्वल्स टू 6। तो ये सबको अलग अलग निकालने की बजाय आपको सिर्फ ये निकालना है 1-, अब n की वैल्यू आपके पास क्या है, 6C6, पी की वैल्यू आपके पास 1/2 है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 है, इसकी पावर 6 और इसकी पावर 0। तो 6 ही सॉल्व करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 6 करेंगे तो 1/64, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा 63/64। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कहता है इफ़ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 54 ट्रायल इज 30। 54 ट्रायल है, दैट मीन्स एन की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 54, ठीक है। अब ये कहता है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस, इसका जो सम है वो आपको दिया हुआ है कितना, 30 के बराबर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल की चीज़ें दी हुई हैं आपको, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास एन होना चाहिए, पी होना चाहिए और क्यू होना चाहिए। तो एन तो उसने दे ही रखा है आपको, उसकी वैल्यू आपको 54 दे रखी है, बस आपको P और Q निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ म्यू की जो वैल्यू है वो होगी N इंटू में P, ये हो गया N इंटू में P इंटू में Q। एन पी आप निकाल दो कॉमन, अंदर बचिए आपके पास 1 प्लस में Q। N की वैल्यू 54 है, इसको पुट कर दो, P को एज इट इज रहने दो, Q की जगह आप कर दो 1-P, P प्लस Q 1 होता है ना, तो P Q की जगह कर दिया हमने 1-P। तो अब
फिफ्टी, ये हो गया वन प्लस वन टू हो गया, ये हो गया टू माइनस पी, इसको मल्टीप्लाई करो, 54 टू जा 108, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों टर्म्स को साइड ले जाओ। अब ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई करने से पहले कॉमन निकाल दो, जितना निकल जाए, 6 देखो कॉमन निकल जाएगा, 6 9 जा 54 होता है, और इसको इससे करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ 30 आ गया। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसके फैक्टर आप फाइंड करोगे, 6 अगर कॉमन निकालेंगे 14 नहीं 18 आएगा। अब इसके फैक्टर आप निकालोगे तो 9 5 45 के फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 18 आ जाए, तो एक 15 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3। यहाँ से आप 3p कॉमन निकालोगे, ये तो आपको करना अच्छी तरह आता ही होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, माइनस 1 कॉमन, तो एक फैक्टर आ गया 3p माइनस 5, एक फैक्टर आ गया 3p माइनस 1। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5/3, और यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/3। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी एग्जिस्ट, सोच सकते हो रीज़न, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि क्या रीज़न है, क्योंकि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये है, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप इतने सोचो, मैं इतने क्वेश्चन आगे कर देता हूँ। तो पी की वैल्यू ये आपकी निकल गई, तो इसका मतलब इसकी हेल्प से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, 2/3। पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया हमारा, पी प्लस में क्यू रेज टू पावर 54, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब तक आपने ये सोच लिया होगा कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालोगे तो वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू 3 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीट होती है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी अच्छे से। प्रैक्टिस करना इसके क्वेश्चंस, एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं। टेलीग्राम पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना कि आपने अगर पोस्ट किया और मैंने तुरंत आंसर नहीं दिया तो आप फ्रस्ट्रेट हो कि सर ने आंसर नहीं दिया। तो कोशिश करूँगा कि मैं टाइम जैसे ही मिलेगा आपकी क्वेरी का आंसर आपको मैं दे सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।